देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट दिन एक छोटा सा टॉपिक भी किया था, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, कंपनी कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और ये मैंने 4, 5, 6 जो होमवर्क दिया था वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का किया है। ठीक है, तो ये वाला करेंगे लेकिन आज ये वाला नहीं कर रहे। अभी हम लोग जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन, वो भी डिविडेंड की तरह एक छोटा सा पॉइंट है, वो वाला देखते हैं कितना हो जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। 3 टॉपिक था उसमें, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है कंपनी का जो हम लोगों ने पहले किया, उसके बाद डिविडेंड वाला, और आज जो है मैनेजरियल रेमुनरेशन करेंगे। और टाइम बचेगा तो ये होमवर्क भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग आज सीखेंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अच्छा देखो, तो कंपनी जो है अपने मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे सकती है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह से रेम्यूनरेशन दे सकती है, वही हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कितना परसेंट या फिर जो भी इसका रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो क्या प्राइवेट कंपनी अपने मैनेजर को रेम्यूनरेशन नहीं देती है? नहीं देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, लेकिन उनमें कोई रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होता है उनका। क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन इसीलिए आएगा क्योंकि पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और वो मैनेज कोई और कर रहा है। ठीक है, अब रेमुनरेशन जो मैनेजरियल, मतलब मैनेजर जो भी होते हैं, मैनेजर मतलब जो टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं, लाइक डायरेक्टर वगैरह। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मैनेजर जो भी बोलो, तो टॉप लेवल पे जो भी है वो अपना रेमुनरेशन कैसे लेंगे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन इसीलिए आया क्योंकि पूरा कंपनी जो है उनके हिसाब से चलता है। ठीक है, मतलब वो कंपनी को पूरा ऑपरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो फिर वो अपने रेमुनरेशन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मतलब अपने आप को ज्यादा रेमुनरेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि देखो पैसा उनका नहीं है, वो मैनेज करते हैं तो उनके पास वो अथॉरिटी आ जाएगा कि वो अपना मैनेजरियल रेमुनरेशन खुद डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है वो अपने आप को ज्यादा मतलब मैनेजरियल रेमुनरेशन दे दे, लेकिन पैसा तो दूसरों का लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हुआ है, पब्लिक कंपनी जब अपने मैनेजर को रेम्यूनरेशन डिक्लेयर करेगी तो उसमें कंपनीज एक्ट आ जाता है, उनका जो रूल्स रेगुलेशंस है जो डिस्क्राइब्ड है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक कंपनी जो है अपने मैनेजर को रेम्यूनरेशन नहीं देती क्योंकि वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने हिसाब से रेम्यूनरेशन डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अपने जो भी डायरेक्टर वगैरह है उनको, क्योंकि पब्लिक का पैसा है नहीं। जो भी प्राइवेट कंपनी में जो भी मतलब जो मेंबर्स है वो खुद ही जो है अपना पैसा लगाते हैं, तो इसीलिए उनका रेमुनरेशन कैसे होगा वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ भी डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं लेकिन अब जो रूल्स है उसको फॉलो करके डिसाइड करना पड़ेगा, बट वहां पर ऐसा कोई रूल्स नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी। मतलब यहाँ पर हम लोग मैनेजरियल रेमुनरेशन पब्लिक कंपनी के लिए कैसा एप्लीकेबिलिटी है उस चीज को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब देखो ये तो पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया कि हम लोग किस लिए पढ़ रहा है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर मैनेजर को जो रेमुनरेशन दिया जाएगा उसमें कंपनी का 2 तरह से होगा। ठीक है, कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपनी जिनके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है और ऐसे कंपनी जिनके पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है या फिर लॉस में चल रही है, तो कैसे करके रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर 2 टाइप हो जाएगा। ठीक है, मैनेजरियल रेमुनरेशन जो है वो 2 टाइप से दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वो डिपेंड करेगा 2 टाइप्स ऑफ कंपनी पे, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। पहला है कंपनी Having
एडिक्वेट प्रॉफिट. अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कंपनी किस तरह से रेमुनरेशन डिक्लेयर करती है. दूसरा पॉइंट हो जाएगा कंपनी हैविंग इन एडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, या फिर कंपनी का लॉस हुआ है, या तो कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर कंपनी का लॉस हुआ है. इस बेसिस पे हम लोग मैनेजरियल रेमुनरेशन का जो है रूल्स है हमें बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से होगा. तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कंपनी हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट. इसका हेड कर लेते क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स है तो इसके नीचे नहीं लिख रहे, जगह नहीं होगा, हम हेड करके लिख ले रहे, तो तुम लोग भी वैसे ही लिखो. पहले हो जाएगा कंपनी, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, अच्छा ये हेड कर लेते कंपनी हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट. अच्छा इनको कैसे, इनके मैनेजर को कैसे रेम्यूनरेशन दिया जाता है, पहले ये लिखेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इक्वल टू 11% ऑफ नेट प्रॉफिट टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फुल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर. देखो रेमुनरेशन जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 11% टू डायरेक्टर, डायरेक्टर लोगों को. अब डायरेक्टर किन किन को डायरेक्टर बोला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर मतलब कौन कौन इंक्लूडेड है. होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर का मतलब हो जाएगा कि जो पूरा टाइम उसी कंपनी में डेडिकेट करता है, अपना पूरा का पूरा टाइम डिवोट जो है उसी कंपनी के लिए करता है, उसी कंपनी के लिए काम करता है, उन्हें बोलेंगे होल टाइम डायरेक्टर. ठीक है, दूसरे किसी कंपनी में काम नहीं करता है, पूरा टाइम अपना जिस कंपनी में देगा तो वो हो जाएगा होल टाइम डायरेक्टर. अगर किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर पूरा टाइम लगाता है तो वो होल टाइम डायरेक्टर हो जाता है. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हो जाता है टॉप मोस्ट डायरेक्टर जो होते हैं वही हो जाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, मतलब डायरेक्टर के भी ऊपर उनको बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है, मतलब जो डायरेक्टर को भी मैनेज कर सकते, मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप मोस्ट डायरेक्टर जो होगा, मतलब हेड ऑफ द डायरेक्टर बेसिकली. अब उसके बाद जो मैनेजर है, मैनेजर जो है वो क्या है, वो मैनेजर जो है ये भी क्या है, टॉप मोस्ट लेवल को मैनेज करते हैं. ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल को मैनेज करते हैं लेकिन इनके पास डायरेक्टर वाला कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, ये जो है ये टॉप मोस्ट लेवल पर मैनेजिंग का काम करते हैं. ठीक है, तो ये उस तरह के मैनेजर है, कोई फैक्ट्री मैनेजर वगैरह नहीं. ठीक है, तो ये उस तरह के मैनेजर है जो कि टॉप मोस्ट लेवल पे मैनेजिंग का काम करते हैं. यहाँ कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे कंपनी को सपोर्ट करता है या एडवाइजरी का काम करता है, ये सब डायरेक्टर के लिए मैनेजरियल रेमुनरेशन एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ पर डायरेक्टर मतलब होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, और यहाँ पर मेरा मैनेजिंग स्पेलिंग गलत है, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गुड मॉर्निंग मैम, मैनेजिंग स्पेलिंग गलत है, ठीक है ठीक कर लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. ठीक है, ये हो गया डायरेक्टर कौन कौन हो सकता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर लेकिन नहीं होगा. अब ये 11% ये हो गया मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम 11% हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा दो पार्ट होगा. ठीक है, देखो कैसे होगा. अब कुछ रेट है जो हमें याद रखना पड़ेगा.
तो दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, एक है होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, एक ये वाला हो जाएगा और एक पार्ट हो जाएगा यहां पर पार्ट टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो बताते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टर बोलने से यही सब इंक्लूड होगा, लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर कोई है तो उनको कैसे रेमुनरेशन देंगे, उनका रेट अलग है, वो बताते हैं, ठीक है, उनका रेट अलग होगा। तो यहाँ पर जो है रेट चार्ट हम लिखवा रहे हैं, पहले लिखेंगे कंपनी हैज मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, तो इसमें हो जाएगा 1.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, हम समझा देंगे कैसे पढ़ना है, मोर देन वन टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल, और इधर है लिखेंगे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट 6% ऑफ टोटल, यहां पर हो जाएगा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट 11% ऑफ टोटल, और यहां पर और एक पार्ट लिखेंगे कंपनी does not have manager, managing director, full time director, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर होगा 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इक्वल टू 3% ऑफ टोटल, अब देखो ये रेट हम लोग समझेंगे। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कंपनी हैज मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, जिसका मतलब मैंने यहां पर बोला था कि डायरेक्टर इंक्लूडिंग क्या क्या होता है, तो वही चीज देखो, अगर कंपनी में मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और होल टाइम डायरेक्टर है, तो अगर होल टाइम डायरेक्टर को दे रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, तो कैसे देंगे, अगर हमारा एक ही है, ठीक है, एक पर्सन है, मतलब एक होल टाइम डायरेक्टर या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एक मैनेजर है, तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5% देना पड़ेगा, ठीक है, और मोर देन वन अगर है, मोर देन वन है, ये तीनों पोजीशन में अगर मोर देन वन पर्सन काम कर रहे हैं, तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट का 10% देना पड़ेगा। और अगर कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है, उसके बारे में भी बताया है कि अगर कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है, सपोज पार्ट टाइम डायरेक्टर भी तो हो सकता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताया है रेट कैसे होगा, तो यहाँ पर बोला है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट इक्वल टू 6% नेट प्रॉफिट इक्वल टू 6% ऑफ टोटल, ठीक है, इसको एक काम करते हैं 6% ऑफ टोटल को ऐसे लिखते हैं, समझने में आसानी है, 6% ऑफ टोटल, और यहाँ पर लिखेंगे 11% ऑफ
अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, जैसे ये देखो एक जन होंगे तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यहाँ पर पर्सन के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर क्या है 6% ऑफ टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये हो गया 6% ऑफ टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, हम बताएंगे कैलकुलेशन जब करेंगे समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा है मैंने 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर हो गया 11% ऑफ टोटल, यहाँ पर हो जाएगा 11% ऑफ टोटल, ठीक है, मतलब ओवरऑल 11% हो रहा है, ये देखो ये 6 और 5 मिला के 11 हो रहा है, यहाँ पर 11%, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी डज नॉट हैव मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर नहीं है कंपनी का कोई मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कंपनी अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर से ही सिर्फ चलती है, पार्ट टाइम डायरेक्टर से चलती है, तब 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इक्वल टू 3% ऑफ टोटल, अब इस चीज को समझेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो बार बार बोल रखा है हर एक जगह पे, चाहे रेट जैसा भी हो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी बोल रखा है देखो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टर को रेमुनरेशन देने के टाइम पे नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग पहले चेक करके देखते हैं, देखो कैसे होगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे ये रेट भी याद हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखो इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर, हमें यहाँ पर रेवेन्यू नेचर का इनकम लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो पीएल अकाउंट से ही हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे यहाँ पर क्या क्या अलाउड है, हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर, कोई भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इसके अलावा सब्सिडी, सब्सिडी रिसीव्ड From गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई भी सब्सिडी हमें मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट से तो हम लोग कंसिडर कर सकेंगे, और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये हम लोग लेंगे लेकिन इसमें कौन सा नेचर का लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे यहाँ पर लिख देते हैं रेवेन्यू नेचर, अब रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट क्या होता है वो हम समझाएंगे, रेवेन्यू नेचर वाला जो प्रॉफिट होगा वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा यहाँ एक्सपेंसेस में क्या लेंगे, एक्सपेंसेस में क्या हम लोग लेस करेंगे, तो देखो इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर है तो एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर होगा, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, ये खर्चा हमें माइनस करना है, अच्छा इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस, ठीक है, एक्चुअल बेसिस का जो भी खर्चा है वो हमें लेस करने को मिलेगा, प्रोविजनल बेसिस पे नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं नॉट ऑन प्रोविजनल बेसिस, प्रोविजनल बेसिस का मतलब हो गया जैसे देखो हम लोग पीएल में प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लिखते हैं, तो ये है प्रोविजनल बेसिस, प्रोविजनल बेसिस का मतलब है एक्चुअली ये लॉस हुआ नहीं है, हम लोग फ्यूचर में डेटर हमें पैसा नहीं देगा, शायद इतना पैसा नहीं देगा, जैसे मान लो हम लोगों ने 1000 रुपीज का प्रोविजन दिखाया तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 1000 रुपीज का फ्यूचर में बैड डेट हो सकता है, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं, ये हमारा एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करके रख रहे हैं, तो जब हम लोग मैनेजर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब वहां पर हमें सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लेना है, किसी भी तरह का प्रोविजनल बेसिस पे किया गया यहां पर पीएल में डेबिट साइड में चार्ज किया गया खर्चा हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां एग्जांपल भी दिखा देते हैं, जैसे कि देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये सब नहीं लेना है, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन
डेटर, डेटर को डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में उसका प्रोविजन, या फिर और कुछ भी जो भी प्रोविजनल नेचर का एक्सपेंसेस है वो हम लोग नहीं लेंगे, सारे एक्सपेंसेस हम लोग को एक्चुअल बेसिस पे कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस परमिटेड बाई कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक्सपेंसेस जो परमिट होगा वही वाला हमें लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कौन सा खर्चा हो सकता है, जैसे मान लो जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा कैसे होता है, तुम लोग इनकम टैक्स में भी देखते हो वहां पर डेप्रिसिएशन का रूल्स होता है, कंपनीज एक्ट का अलग रूल्स होता है, ठीक है, और जो हम लोग 11-12 में करते वहां पर एक तरीके से करते, तो डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई खर्चा हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना तो वहां पर हमें बता देगा कि कंपनी ने इतना चार्ज किया था बट इनकम टैक्स के हिसाब से इतना था, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। हमें बस इतना याद रखना है, हम लोग जब भी इस तरीके का कोई खर्चा लेंगे तो कंपनीज एक्ट का अगर कुछ दिया हुआ है तो हमें वही वाला कंसीडर करना है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट वाला एक्सपेंसेस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन का हो सकता है, और एक पॉइंट भी होता है, जैसे कि मान लो डोनेशन टू चैरिटी, ठीक है, और भी होता है डोनेशन टू ट्रस्ट, ठीक है, ये सब जो भी खर्चा है ये हमें कैसे लेना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो होगा परमिसेबल वही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सीटिंग फी पेड टू डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर को जो सीटिंग फीस दिया जाएगा वो भी यहां से ऐसे एक्सपेंसेस लेस होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को जो है कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया टोटल ऑफ इनकम, ये हो गया टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इनकम से अगर एक्सपेंस कम होगा तो हमें माइनस करके क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने जस्ट एक समझाया कि फॉर्मेट हमें इस तरह से नहीं करना है, हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ये बस समझाने के लिए मैंने बोला है। यहाँ पर बाई लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पर टू हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। तो क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं और क्या क्या कंसिडर नहीं कर सकते वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली बोलो तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स है कि मैनेजर को रेमुनरेशन देने के लिए जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का कोई भी इनकम ले सकते हैं, रेवेन्यू नेचर का कोई भी एक्सपेंस लेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट का सब्सिडी कंसिडर करेंगे, फिक्स्ड एसेट सेल करके जो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होगा वो कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर एक्सपेंसेस जो भी एक्चुअल बेसिस का होगा वो लेंगे, कोई भी प्रोविजनल नेचर का नहीं लेंगे, और कंपनीज एक्ट का हिसाब से अगर कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ रहेगा तो हमें वही वाला कंसीडर करना है, और सीटिंग फी पे टू डायरेक्टर ये हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बताने वाला पॉइंट ये वाला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका रेवेन्यू नेचर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये देखो समझाते हैं। सपोज मान लो हम लोगों ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट है ₹200, ठीक है, अब ये यहां से यहां ये एसेट यूज हुआ, 200 में हम लोगों ने खरीदा था, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाया हम लोगों ने, सपोज डेप्रिसिएशन लगाया है ₹20 का, ठीक है, तो इस एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, फर्स्ट ईयर के एंड में 180 हो गया। अगेन मान लो SLM पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, फिर से मान लो ₹20 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 हो गया ईयर टू के एंड में, यहां तक ही करते हैं, ईयर टू के एंड में ये पूरा ईयर वन और ये हो गया ईयर टू, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको कर दिया है सेल, ठीक है, ये एसेट को हम लोगों ने ईयर टू के बाद इसको सेल कर दिया है, और सेल किया है मान लो सपोज 200 यहाँ पर 50 में, ठीक है, या फिर 260 कर लेते हैं, चलिए 270 कर देते हैं, 270 में हम लोगों ने इसको सेल कर दिया, सेल वैल्यू ये आ गया 270, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ चेक करते हैं, ये गैप जो है यही प्रॉफिट होगा, तो यहां पर प्रॉफिट हो गया
110, ठीक है, लेकिन इस पे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है, कितना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है. और हम लोग सिर्फ रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट नहीं लेंगे. तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लोग को दिख रहा है कि 160 का एसेट अगर 270 में सेल हुआ तो प्रॉफिट हम लोग का इतना ही होगा. एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, देख लेते 270 माइनस 160, ठीक किया मैंने, हाँ 110 का प्रॉफिट होगा. लेकिन इस प्रॉफिट में कि कुछ पार्ट रेवेन्यू है, कुछ पार्ट जो है कैपिटल है, वो कैसे कैलकुलेट होगा. तो देखो एसेट कितने का था, एसेट हम लोग का था 200 का, ठीक है. अच्छा उस पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पहले कितना लगाया, डेप्रिसिएशन लगाया पहले हम लोगों ने 20 का, तो एसेट कितने का बन गया 180 का. फिर हम लोगों ने इस पे 20 का डेप्रिसिएशन लगाया, एसेट कितने का बन गया 160 का. अच्छा यहां पर अब ये एसेट देखो, यहां पर ये जो है 20 और 20, ये हम लोग का क्या है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, ये हम लोग का क्या है डेप्रिसिएशन है ना, ये भी डेप्रिसिएशन है और ये भी डेप्रिसिएशन है. तो ये दोनों क्या है, ये है हम लोग का रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है. अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कितना हो गया 40, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कितना हो गया 40. अब हम लोग को यहाँ पर देखो एसेट हम लोग का कितने का था, एसेट हम लोग का हुआ 160 का, ठीक है, एसेट हम लोग का 160 का हुआ. और हम लोगों ने खरीदा कितने में था 200, तो 200 से 160 में हुआ, ठीक है. 200 का एसेट कितने में ट्रांसफर हो गया है, 200 का एसेट 160 में हो गया है. अच्छा इसके बाद यहां से ये 200 का एसेट हम लोगों ने कितने में सेल कर दिया है, 270 में हम लोगों ने इसे सेल कर दिया है. तो यहां से यहां का गैप अगर देखो कितना है 70, और यहां से यहां का गैप अगर देखेंगे तो कितना हो गया 40, हाँ ये 40 हो रहा है. अच्छा अब ये वाला देखो 40 प्लस 70 कितना हो गया 110, जो कि ये टोटल प्रॉफिट है. लेकिन देखो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया कैपिटल नेचर का और ये हो गया रेवेन्यू नेचर का. समझाते हैं देखो फिर से, ये हो गया रेवेन्यू नेचर का. एक्चुअली जितना हम लोग का एक्सपेंसेस हुआ है रेवेन्यू नेचर का, उतना ही हम लोग का यहाँ पर देखो रेवेन्यू नेचर का क्या जनरेट हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ. क्यों ऐसा हुआ, देखो जब ये 200 से 160 तक पहुंचा, 200 से ये एसेट जब 160 तक पहुंचा, तो इसमें जो डिफरेंस आया ये हो गया 40, और यहां से यहाँ का जो डिफरेंस आया, मतलब जब इसको हम लोगों ने सेल किया, देखो यहाँ से 200 से यहाँ पर 270, मतलब इसका मैंने दो पार्ट कर लिया, एक तो 200 से ये 270 में बिका, लेकिन मिडिल में इसका वैल्यू 160 हुआ. तो दोनों का गैप देखेंगे तो 200 से जब 160 हुआ तो 40, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 40 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, इसीलिए इसका वैल्यू 40 से कम हो गया. और ये जो 200 से 270 हुआ, तो यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 70 का गैप आ रहा है. तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो गैप है मतलब वैल्यू, देखो वैल्यू जो है ये यहाँ पर 40 और ये यहाँ पर देखो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 110 का है, इसे हमें ऐसे डेप्रिसिएशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जितना डेप्रिसिएशन आया ना, उतना ही हम लोग का यहाँ पर देखो प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू नेचर का होगा, बाकी जो है ये हम लोग का कैपिटल नेचर का होगा, ठीक है. तो ये हम लोग का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू. इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिफरेंसेस क्या हो रहा है. तो ये देखो ये हम लोग कहाँ पर डेबिट करते हैं, पीएल में डेबिट करते हैं, ये भी हम लोग कहाँ पर डेबिट करेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे. तो इस तरह के मतलब मैनेजरियल रेमुनरेशन का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा कि रेवेन्यू नेचर का कितना है और कैपिटल नेचर का कितना प्रॉफिट है, ठीक है. और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, मान लो एक एसेट और एक एग्जाम्पल देते, एक एसेट का वैल्यू था 100, ठीक है. फिर मान लो उस पर हम लोगों ने 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन दिया, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है. फिर हम लोगों ने मान लो इस पे 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन दिया, इसका वैल्यू कितना हो गया 80. और उसके बाद हम लोगों ने इसे सेल कर दिया कितने में, मान लो 130 में सेल कर दिया, ठीक है. अच्छा अब देखो यहाँ पर 10 रुपीज का हम लोग का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया. अब ये टोटल प्रॉफिट अगर कंसिडर करें, टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग कंसिडर करें, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज, ठीक है. लेकिन इसमें हम लोग को दो पार्ट करना है, कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का. यहाँ पर दो पार्ट होगा, कैपिटल और रेवेन्यू,
ठीक है। अच्छा अब कैसे होगा, देखो हम लोग पहले ये गैप देखेंगे। देखो पहले हम लोग का एसेट कितने का था, पहले हम लोग का एसेट जो है, एसेट का वैल्यू जब बिका तब 80 हुआ, ठीक है। और ये पहले कितने का था, 100 का था, 100 से 80 हुआ, तो ये गैप कितना हो गया 20, ठीक है। अब ज्यादा में बेचा ना, हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, तो एक्चुअली एसेट का वैल्यू हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि जो एसेट 80 में पहुंच गया था वो अपने कॉस्ट में पहुंचा पहले। अगर हम लोग एसेट को 130 में बेच रहे हैं तो जो अपना एसेट 80 का था तो वो पहले अपने कॉस्ट में पहुंच गया, उसके बाद भी उससे ज्यादा में बिका 130 में, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पर 30 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह से कंसिडर किया जाता है, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट। जब एसेट का वैल्यू कम था फिर भी वो ज्यादा में बिका, मतलब एसेट 80 रुपीज का था जब हम लोग इसे बेचने गए थे, बट वो 80 से 100 हुआ, मतलब अपने कॉस्ट में पहुंचा, फिर उससे भी ज्यादा 130 में पहुंच गया, तो ये 30 जो है ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये जो है ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में जब दिया हुआ रहेगा कि कितना हम लोग का रेवेन्यू नेचर का आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाला ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी पॉइंट आई होप समझ में आ रहा है कि हम लोग को कौन सा एक्सपेंसेस लेना है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो इलस्ट्रेशन बी, ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां पर बोला है कि मुद्रा लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001। ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया है, सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बता दिया है, डायरेक्टर फीस बताया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैनेजरियल रेमुनरेशन, डेप्रिशिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब पीपीई पे डेप्रिशिएशन बताया है। अच्छा इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी एज पर शेड्यूल टू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाज 5,75,345। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी है। हम लोग को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन टी शेप में नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज करके दिखाएंगे। इलस्ट्रेशन सी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा और ये जो सेक्शन फॉलो करके होता है ना वो 198 है, ठीक है, अंडर सेक्शन 190 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट। अच्छा अगर नेट प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या ये हमें लेना चाहिए, ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि नेट पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद इनकम साइड में और भी डेटा जाएगा, एक्सपेंसेस साइड में और भी डेटा जाएगा, फिर एडजस्ट होकर नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा डेटा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो लेंगे, तो यहाँ पर लिखता है क्योंकि ये तो रेवेन्यू नेचर का है, तो ये तो इनकम है ना, क्रेडिट साइड आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल करके आता है, सेल हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो यहाँ पर लिख रहा है पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू है 40,25,365। अच्छा अब यहां पर है सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या ये आएगा बताओ, क्या सब्सिडी हमें लेना चाहिए और क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं लेना है तो क्या करेंगे, सब्सिडीज लेना है कि नहीं लेना है,
मैम नीचे হবে তো লেস হবে না হ্যাঁ নিতে কি বলে বলো লেস হবে বলছো হ্যাঁ তাই স্পষ্ট কেন এটা তো ইনকাম লেস কেন এখানে যদি জিপি লেখো হ্যাঁ যেমন ধরো এখানে যদি জিপি লেখো জিপিটা তো আসবেই না इसके बाद ये वाला लेना पड़ेगा तो ये ऐड हो जाएगा ना क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा लेना तो पड़ेगा लेकिन ऐड हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 273,925 273,925 ठीक है ये हम लोगों का इनकम हो गया बाकी देखो जो भी दिया हुआ है ना सब एक्सपेंसेस दिया हुआ है जैसे डायरेक्टर फीस एक्सपेंसेस है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन ये तो एक्सपेंस बताया है डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं एक्सपेंस मैनेजरियल रेमुनरेशन एक्सपेंस डेप्रिशिएशन ये भी एक्सपेंसेस है मतलब डेबिट आइटम है और यहाँ पर दो आइटम था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी एक डेबिट साइड में लिखा जाता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग जितना जनरल रिजर्व में देना चाहते हैं वो अमाउंट होता है ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व ये सभी डेबिट आइटम बता रखा है ठीक है तो इसका मतलब क्रेडिट में और कुछ नहीं है मतलब बाई साइड में और कुछ नहीं आएगा इसे अगर टी शेप में भी करते हैं हम लोग जबकि टी शेप में तो नहीं करना चाहिए ना कंपनी का तो यहाँ पर देखो बाई सब्सिडीज अब बाकी जो आइटम है सब डेबिट साइड का लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए अब ये वाला लिखेंगे अब ये दोनों का टोटल कर लेते हैं और इनकम को आउटर कॉलम में लिख देंगे तो ये हो गया 40,25,365 + 273,925 तो ये हो गया 42,99,290 अब यहां से लेस करेंगे एक्सपेंसेस क्योंकि हम लोग को क्या पता करना है नेट प्रॉफिट पता करना है बट एक्सपेंसेस हमें सोच समझ के डिडक्ट करना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंसेस आएगा तो एक बार हम याद दिला देते हैं कौन कौन सा एक्सपेंसेस आता है देखो ताकि तुम लोग सही आंसर दे पाओ किसी भी तरह का रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा वो आ जाएगा रेवेन्यू नेचर का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारा आएगा अच्छा लेकिन कुछ प्रोविजनल एक्सपेंसेस नहीं लेना है सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लेना है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई खर्चा बता देगा तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा और डायरेक्टर का जो सीटिंग फीस है वो भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे ठीक है अब बताओ क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मतलब क्या ये हम लोग डिडक्ट करें कि नहीं करें बोलो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या जैसे सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को या फिर सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया सेल्समैन का कमीशन हाँ ये तो लेना पड़ेगा ये तो रेवेन्यू नेचर का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 8,22,542 अच्छा इसके बाद वाला बोलो डायरेक्टर फीस क्या ये लेंगे ये डायरेक्टर फीस लेना चाहिए मतलब डायरेक्टर को जो फीस दिया जाता है वो देखो मैंने लिखवा रखा है क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए देख के बता सकते हो डायरेक्टर फीस डायरेक्टर सीटिंग फीस ना तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टर्स फीस 134,780 अच्छा इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या ये आएगा बोलो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सोचो ये कौन से कैटेगरी में जाएगा तो आ जाएगा अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो आएगा अच्छा और इसके अलावा ये अगर हम लोग का देखो यहाँ पर क्या बोला है प्रोविजनल नहीं आएगा तो पहला बात है ये तो प्रोविजनल आइटम है नहीं तो इस पे ये चीज तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और ये इसका कोई कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ बताया नहीं कि हमें कोई दूसरा अमाउंट लेना पड़ेगा ये नहीं ये सीटिंग फी पे टू डायरेक्टर भी नहीं है बस ये सोचो कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है कि नहीं रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो डे टू डे का खर्चा होता है मतलब वन टाइम नहीं होता है ना रेवेन्यू नेचर का खर्चा है कि नहीं हम लोगों ने लोन लिया है मतलब पब्लिक से लिया है एक्चुअली डिवेंचर
डिबेंचर क्या होता है, पब्लिक से लिया गया लोन और उस पे इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ये इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, क्योंकि रेवेन्यू कैपिटल में तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है कि कैपिटल नेचर का, ले कि नहीं ले, कैपिटल ना, कैपिटल होगा ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होता है तभी तो वो पीएल में जाता है, लोन अमाउंट लाइबिलिटी होता है तभी वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर आएगा लोन अमाउंट, लेकिन ये लोन अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है, तो ये एक्सपेंस है, तभी तो हम लोग पीएल में किसी भी तरह का इंटरेस्ट लिख सकते हैं, चाहे डिबेंचर का हो, चाहे कोई लोन लिया गया हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या फिर बैंकिंग मतलब बैंकिंग लोन हो, ये है पब्लिक से लिया गया लोन, तो इंटरेस्ट ये लेकिन हम लोगों का एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी नहीं है, अगर लाइबिलिटी होता तब बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। अब बोलो आएगा कि नहीं आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बोलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा ना, ये लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर का होता है, हम लोग को कैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली हो सकता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। फिर बोल रहे हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन, अब ये आएगा कि नहीं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर हम लोग मैनेजर को रेमुनरेशन कितना दे वही वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या मैनेजरियल रेमुनरेशन आना चाहिए, देखो अगर हम लोग मैनेजर, जैसे तुम लोग कभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर कभी अगर पढ़े हो कॉलेज में, जिन लोगों का कॉलेज हो गया है या फिर जिनके सिलेबस में था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर कभी पढ़े हो तो वहां पर ये पॉइंट जरूर आता है कि जब गुडविल का वैल्यू कर रहे हो तो अगर पहले से गुडविल का वैल्यू कुछ दिया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग गुडविल का ही वैल्यू करेंगे तो क्या हम लोग गुडविल को कंसीडर करेंगे, नहीं ना। वैसे ही अगर हम लोग मैनेजर का रेमुनरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या पहले से दिया गया मैनेजर का रेमुनरेशन हमें लेना चाहिए, सोचो, अगर हम लोग तो यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना कि मैनेजर को कितना रेमुनरेशन देंगे, तो अगर रेमुनरेशन पहले से बता दिया है क्या वो हमें कंसिडर करना चाहिए, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट करके दिखाओ, तो क्या ये कैलकुलेशन हमारे किसी काम का है, बोलो क्या ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा पॉइंट समझ में हाँ, ये नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट ही करने बोला मैनेजर रेमुनरेशन, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अब अगर हम लोग को बोल रहा है ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप मैनेजर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करके दिखा, और रूल्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने गए नेट प्रॉफिट, ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तब ना मैनेजर का रेमुनरेशन निकलेगा, अगर पहले से हमें कुछ दिया गया है तो हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला पॉइंट लेकिन नहीं आता है, ठीक है, मैनेजर रेमुनरेशन क्यों नहीं आता है वो भी मैंने बताया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैनेजर रेमुनरेशन ही कैलकुलेट करें, उसके लिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो ये खर्चा हम लोग वहां पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। अब बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन पीपी, डेप्रिसिएशन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो वो हमें लेना पड़ेगा, तो चेक करेंगे दो तरह का डेप्रिसिएशन है कि नहीं रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे ये पॉइंट लागू होता है, तो देखो नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था डेप्रिसिएशन ऑन पीपी एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो इतना है, तो बोलो कि कौन सा वाला डेप्रिसिएशन लेंगे, ये वाला लेंगे या फिर जो दिया हुआ है वहां पर कौन सा लेना पड़ेगा, 5,75,345 या फिर ये वाला 5,22,000, कौन सा ले, 5,22,000 या 5,75,000, कौन सा लेना पड़ेगा, बोलो लेना तो पड़ेगा, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का होता है, डेप्रिसिएशन तो रेवेन्यू नेचर का है, लेना तो पड़ेगा, लेकिन कौन सा लेंगे बोलो, डेप्रिसिएशन ऑन PPE as per schedule 2,
मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से ना 5,75,345 ये हमें लेना पड़ेगा। अच्छा और क्या खर्चा है देखते हैं। अच्छा अब देखो बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्या ये लेंगे जो मैंने तुम लोग को लिस्ट लिखवाया या फिर समझाया उसके हिसाब से क्या प्रोविजनल नेचर का कुछ भी यहाँ पर आएगा? एक्सपेंस है ये हम लोग लेते हैं पीएल में, लेकिन मैनेजर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए सारे खर्चे एक्चुअल बेसिस पे लेना चाहिए, किसी तरह का प्रोविजन बेसिस पे नहीं चलेगा। ये प्रोविजन का मतलब है कि कंपनी का टैक्सेशन का खर्चा कंपनी इतना प्रोविजन करके रख रखी है, पे थोड़ी ना की है, तब तो पेड लिखा हुआ रहता। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या ये हमारा एक्सपेंसेस में आएगा वहां पर जहां हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं? बोलो आएगा कि नहीं? ये नहीं आएगा ना, देखो ये नहीं आएगा। अच्छा अब ये बताओ क्या जनरल रिजर्व का ट्रांसफर आएगा? क्योंकि देखो जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होता है, ये मान लो पीएल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं इनकम, हम नॉर्मल बात बता रहे, ये रूल्स का नहीं बता रहे, ये इनकम। अब कोई भी कंपनी तो जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकती है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्सपेंस, फिर ये दोनों का डिफरेंस है हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब बोलो जो जनरल रिजर्व निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, मतलब हम ये टी शेप में दिखा रहे हैं, वैसे ये टी शेप में नहीं होता है, टी शेप में दिखा रहे हैं एक बार समझाने के लिए। अब कंपनी को सारे खर्चे बाहर वाले को पे करने के बाद जो प्रॉफिट मिला कंपनी उससे चाहे तो क्या क्रिएट कर सकती है, अपना जनरल रिजर्व क्रिएट कर सकती है। लेकिन हम लोग अभी क्या कैलकुलेट करना चाह रहे, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे, लेकिन वो भी कैसे कैलकुलेट करना चाह रहे, सेक्शन 198 के हिसाब से जिसमें कुछ अपना रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके हमें बनाना है। तो क्या जनरल रिजर्व यहाँ पर हम लोग लिख दे? जनरल रिजर्व तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, कैश फ्लो में भी तो तुम लोग देख रहे हो जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो तो चार्ज अगेंस्ट पीएल नहीं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ पर क्या रखे, जैसे मान लो घर पे जो भी अर्निंग होता है उससे एक्सपेंसेस पे करने के बाद अगर कुछ हम लोग सेविंग्स कर पाते हैं फिर हम लोग सोचते ना इससे एक एफडी कर लेते हैं, ये पैसा बच गया, चलो इससे कुछ रिकरिंग डिपॉजिट कर लेते हैं, तो वैसे कंपनी सोचती है एक जनरल रिजर्व बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन रिजर्व बना लेते हैं, ये सब कंपनी बना सकती है अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन वो तो नेट प्रॉफिट से बनाती है ना। तो क्या जनरल रिजर्व यहाँ पर आएगा, मुझे ये बताओ, मैंने जो भी समझाया उससे क्या अगर समझ में आया तो बोलो, जनरल रिजर्व क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है? नहीं समझ में आया? नहीं, कैसे लिखेंगे जनरल रिजर्व, कैसे लिखेंगे जनरल रिजर्व तो यहाँ पर आएगा, हम लोग तो ये पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये तो इसके बाद का है, आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर हमें जितना परसेंटेज बता देगा उतने परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ 4 लाख बता दिया, तो ये कहाँ से आएगा, ये तो पीएल का आइटम है ही नहीं, ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन है। अब ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन रिजर्व बोलो ये आएगा, सेम पॉइंट है ना, ये भी सेम पॉइंट है, बोलो ये आएगा इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन रिजर्व आएगा, रिजर्व है, रिजर्व तो प्रॉफिट से क्रिएट होता है, अभी तो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो ये वाला भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये हर एक चीज तो हम लोग वैसे नोट डाउन करके लिख नहीं सकते, हमें पॉइंट को समझना चाहिए, समझने से हम लोगों को क्लैरिटी हो जाएगा कि कौन सा चीज आने वाला है यहाँ पर और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मेन यही थीम है, इससे ज्यादा लिस्ट करके लिखवाना भी पॉसिबल नहीं है, वैसे तो काफी सारा लिस्ट हो जाएगा ना, हम लोग पीएल निकाल रहे इसलिए मैंने टी शेप में ही दिखाया ताकि समझने में आसानी हो। अब ये हो गया, अब हम लोग ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ से लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना। तो यहाँ पर देखो 8,22,542 + 134,780 + 31,240 + 575,345 तो ये हो गया 1563,907। अब लेस करो माइनस 4,299,290 तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है 27,35,383, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट जो हमें चाहिए मैनेजर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन ऐसे लिख देते 198, ठीक है, ये हो गया।
अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर देखो कुछ नहीं बोला है कि कैसे डायरेक्टर है क्या है नहीं है, बोल रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट। तो देखो यहाँ पर जो मैंने पार्ट पार्ट करके लिखाया है ये तो है कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता रहेगी कितने डायरेक्टर है, वन है, मोर देन वन है, इस तरह से पार्ट टाइम डायरेक्टर कितने, इस तरह का पॉइंट जब क्वेश्चन में रहेगा तब ये डील कर पाएंगे। लेकिन हम लोग को पहले एक चीज बता दिया है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट टू डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 11% ये वाला पॉइंट डिस्कस हो गया, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11% यहाँ पर मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 11% और नेट प्रॉफिट जितना कैलकुलेट हुआ है 27,35,383 इस पे 11%, सही हो गया 3,00,892, 3,00,892, 3,08,892, ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन। तो अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया उस पर हम लोग का ये पॉइंट हो गया, अब आगे क्वेश्चन मिलेगा तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने देखो कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, यहाँ पर वो सारे कंपनी के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया कंपनी हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट। लेकिन अगर कंपनी के पास इन एडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर कंपनी लॉस में है तो किस तरह से होगा, तो ये लिखते हैं देखो। कंपनी having inadequate profit or loss। देखो अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉस है तो कंपनी को इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये रूल्स है। देखो कुछ रूल्स मतलब लॉ के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, जैसे कंपनी के पास अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती है और मैक्सिमम नेट प्रॉफिट पे 11% मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज फॉलो हो तो वो हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे, तब हमारा ये परसेंटेज वगैरह फॉलो होगा। लेकिन सारी चीजों के लिए हमें नेट प्रॉफिट जरूरी है, चाहे इस तरह का क्वेश्चन हो मतलब इस तरह का सिचुएशन हो या फिर ऐसा सिचुएशन हो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी है। उसी तरह से कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रॉफिट से तो दे नहीं सकती है, तब कंपनी को क्या देखना पड़ेगा, उनके पास कैपिटल कितना है, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या कंपनी लॉस में चल रही है। तो यहां पर लिखेंगे इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल ये कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। उसके पहले जो है इसका स्लैब लिख लेते हैं, इफेक्टिव कैपिटल कितना कितना होने से मैनेजरियल रेमुनरेशन कितना होगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन अच्छा देखो यहां पर अगर कंपनी का जो इफेक्टिव कैपिटल है वो अगर नेगेटिव है या फिर लेस देन 5 करोड़ है, ये लिखना पड़ेगा। एक मिनट हम थोड़ा सा लैब एक बार पहला नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़, ठीक है। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तो करते करते आदत कर लो। जैसे तुम लोग टैक्स में स्लैब याद रखते हो ना, परसेंटेज वगैरह, वैसे यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर किसी कंपनी का कैपिटल नेगेटिव है या फिर लेस देन 5 करोड़ है तो मैनेजर को कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए, तब मैनेजर को रेमुनरेशन जो मिलेगा वो है 60 लाख, ठीक है, 60 लाख हो जाएगा। ये लिखा है मैंने मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका ना यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं
मैनेजरियल रेमुनरेशन लिमिट ऐसे लिख देते हैं, लिमिट ऑफ ईयरली मैनेजरियल रेमुनरेशन शुड नॉट एक्सीड फिर ये, ठीक है, तो ये ईयरली हो रहा है, तो 60 लाख पर एनम है, ठीक है, 60 लाख पर एनम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, ठीक है, कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख पर एनम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. तो इफेक्टिव कैपिटल हम लोग सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसके आगे स्लैब लिखते हैं, अगर 5 करोड़ एंड एवर फाइव करोड़ एंड एवर बट लेस देन 100 करोड़, ठीक है, अगर कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड एवर है बट लेस देन 100 करोड़ है, मतलब 5 से लेके 100 करोड़ के अंदर, ठीक है, तब कितना मिलेगा, 84 लाख पर एनम, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद 100 करोड़ एंड एवर बट लेस देन 250 करोड़, 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़ अगर इफेक्टिव कैपिटल आता है तो 120 लाख पर एनम हो जाएगा. यहां पर 250 करोड़ एंड अबव, तो ये हो जाएगा 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ₹250 करोड़, ठीक है. तो ये लास्ट वाला एक बार समझा देते हैं. देखो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जैसे स्लैब है तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा. तो ये सीधा सीधा दे दिया है कि अगर कंपनी का जो इफेक्टिव कैपिटल है वो नेगेटिव में है या फिर 5 करोड़, मतलब अप टू 5 करोड़ तक हो गया ना, सॉरी लेस देन 5 करोड़ है तो यहाँ पर 60 लाख हो जाएगा, या फिर 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से लेके मतलब 100 करोड़, मतलब लेस देन 100 करोड़ बोला है तो यहाँ पर 99 करोड़ हम लोग बोल सकते हैं, लेस देन 100 करोड़ ऐसे ही मानना पड़ेगा. तो ये हो गया 84 लाख, और 100 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम तब 120 लाख, और 250 करोड़ एंड अबव होगा तब देखो कैसे लिखा है 120 लाख पर एनम, ये सब पर एनम है, वो तो मिलेगा ही, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ₹250 करोड़, मतलब ये मान लो हो रहा है 350 करोड़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 250 करोड़ एंड अबव. तो अगर किसी का इफेक्टिव कैपिटल 350 करोड़ है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 250 करोड़ तक तो 120 लाख मिलेगा, ठीक है, 250 करोड़ तक कितना मिलेगा 120 लाख मिलेगा, ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना 120 लाख, ये कब तक का है, ये 250 अप मतलब लेस देन 250 तक के लिए, तो ये तो मिलेगा ही, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो सपोज अगर 350 करोड़ होता है इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, 250 करोड़ से जितना ज्यादा इफेक्टिव कैपिटल है उस पे 0.01% मिलेगा, तो बोलो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, अमाउंट बताओ. यहाँ पर देखो क्या बोला है 0.01% ऑफ, मतलब ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इफेक्टिव कैपिटल के साथ, लेकिन कौन सा वाला इफेक्टिव कैपिटल लेना है, जो एक्सेस अमाउंट होगा 250 करोड़ से. तो अगर सपोज इफेक्टिव कैपिटल 350 करोड़ है, मेरा एग्जांपल के हिसाब से सपोज अगर हम लोगों का 350 करोड़ आया तो ये वाले स्लैब में आएगा, तो फिर यहां पर मल्टीप्लाई इफेक्टिव कैपिटल का अमाउंट कितना होगा, यहां पर इफेक्टिव कैपिटल का अमाउंट कितना होगा ये बताओ. 100
100 करेक्ट. ये देखो 350 मतलब 250 से ज्यादा कितना है, 350 माइनस 250 ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, तो इनटू 100 करोड़. तो ये कैलकुलेट करने से हमें पता चलेगा कि कितना होगा. ये एग्जांपल है, लेकिन ये स्लैब आएगा तो ऐसे कैलकुलेट करना, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो बाकी में तो डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है, तो इसमें इतना कैलकुलेशन का बात नहीं होगा, लेकिन ये एंड वाले में कैलकुलेशन का पॉइंट यहाँ पर गलत हो सकता है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, अब हम लोग सीखेंगे कि इफेक्टिव कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करें. यहां पर लिखते हैं कैलकुलेशन और इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल का मतलब ओनर्स फंड प्लस लोन फंड दोनों ही होगा. ओनर्स फंड मतलब जैसे कि इक्विटी ठीक है, और लोन फंड मतलब जैसे कि डिवेंचर टर्म लोन ये सब हो जाएगा ठीक है. तो ये ओनर्स फंड और लोन फंड दोनों मिला के ही हम लोग का इफेक्टिव कैपिटल होगा. अच्छा अब इसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं. अच्छा पहले लिखेंगे, दो साइड ना कॉलम करना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं. यहां पर लिखेंगे इफेक्टिव कैपिटल मतलब क्या क्या आएगा. यहां पर आ जाएगा पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लोन डिपॉजिट्स और लेस हो जाएगा, लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट ठीक है. लेकिन पेड अप कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या क्या होगा, रिजर्व सरप्लस मतलब क्या होगा, लोन डिपॉजिट मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, वो हमें देखना पड़ेगा. तो पहले लिखते हैं पेड अप कैपिटल. तो पेड अप कैपिटल का मतलब सिंपल यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन हमें पेड अप ही लेना है ठीक है, कॉल्ड अप नहीं लेना है, पेड अप ही लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल. और अगर प्रेफरेंस रहा तो प्रेफरेंस भी यहां पर आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये होता है पेड अप. और रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होगा, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या नहीं आएगा वो हम लिख देते हैं, तो बाकी सब आ सकता है. रिजर्व सरप्लस में नॉर्मली क्या आता है, जनरल रिजर्व आता है, पीएल का बैलेंस आता है ठीक है. अच्छा इसके अलावा आता है हम लोग का कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हर तरह का रिजर्व जो है वो रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है. लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे कि कौन कौन सा रिजर्व सरप्लस हम लोग का यहाँ पर एक्सक्लूडेड होगा ठीक है. तो रिजर्व सरप्लस एक्सक्लूड्स क्या क्या हमें लेना है, तो इसके अलावा बाकी सारा चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन पे ले सकते हैं ठीक है. तो एक्सक्लूड क्या क्या होगा, पहला रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है. रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, एसेट के वैल्यू को हम लोग मार्केट वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए रिवैल्यूएशन कर सकते हैं ठीक है. तो रिवैल्यूएशन करके जो रिजर्व क्रिएट हुआ वो तो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है कंपनी का ठीक है, कैपिटल से कमाया गया प्रॉफिट नहीं है. तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल. जैसे तुम लोग जब 11 में फाइनल अकाउंट्स करते हो तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके जो नया कैपिटल है वो कैलकुलेट करते हो कि नया कैपिटल कितना है ना. तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर भी सिमिलर तरीके से, यहां पर देखो यहां पर भी हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो कैपिटल
जो ओनर ने बिजनेस में लगाया, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कैपिटल से क्रिएट हुआ प्रॉफिट, वो दोनों ऐड करके ही तो हमें कैपिटल मिलना चाहिए। तो अगर रिजर्व रिवॉल्यूशन रिजर्व है, रिवॉल्यूशन रिजर्व का मतलब है जो रिजर्व प्रॉफिट से मतलब कैपिटल यूज करके क्रिएट नहीं हुआ है, एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करके क्रिएट हुआ है, तो रिवॉल्यूशन रिजर्व इसीलिए यहाँ से एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये जनरली प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, मतलब प्रॉफिट से क्रिएटेड रिजर्व नहीं है। तो रिवॉल्यूशन रिजर्व यहाँ पर लिखते हैं are to be excluded, वैसे मैंने यहाँ लिखा excludes। अच्छा, उसके बाद अगर profit and loss का कोई debit balance है तो यहाँ पर लिखते हैं profit and loss account debit कोई balance है to be डिडक्टेड, मतलब अगर कोई लॉस हुआ है तो वो हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में पीएल का बैलेंस आता है, वो तो प्योर प्रॉफिट है, वो कैपिटल से क्रिएटेड प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है बिजनेस में तो वो हम लोग लेस कर देंगे। जैसे मान लो किसी ने 100 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 10 रुपए का उसका लॉस हो गया, तो फिर क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 90, तो लेस करते ना। उसी तरह से अगर हम लोग का प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो सही कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस लॉस को यहाँ से लेस कर देंगे। और थर्ड क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक्चुअली एक्सक्लूड मतलब क्या, इसे हमें डिडक्ट करना है, ठीक है। तो सारे पॉइंट में एक्सक्लूड लिखना नहीं होगा, हम लोग इसको डिडक्ट करेंगे। एक्सक्लूड का मतलब कंसीडर नहीं करना होता है, लेकिन पीएल का डेबिट बैलेंस रहेगा तो उसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग जो है एक्सक्लूड को मैंने हटा दिया इसीलिए। और क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है मतलब बिजनेस को रेड, जब बिजनेस बन रहा है तो ऑन दैट मोमेंट बिजनेस स्टार्ट होने के पहले का जितना भी खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये क्या करना पड़ेगा, अगर किसी तरह का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें दिख रहा है तो वो भी हम लोग करेंगे डिडक्ट रिजर्व से, ठीक है। उसके बाद जो रिजर्व बचेगा वो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे रिजर्व सरप्लस। तो देखो क्या क्या बताया मैंने यहाँ पर, पेड अप कैपिटल बताया, रिजर्व सरप्लस, अब क्या बताना है, लोन या डिपॉजिट, किस तरह का लोन या डिपॉजिट कंसिडर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लोन डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन, पेबल आफ्टर 12 months। तो लॉन्ग टर्म होगा तभी ना, आफ्टर 12 months होगा, तो लॉन्ग टर्म लोन पेबल आफ्टर 12 months ये हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड्स, इंक्लूडेड होगा। और एक्सक्लूडेड क्या होगा वो भी लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, कैश क्रेडिट, जो सीसी लोन होता है, कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म लोन एंड इग्नोर्ड, ठीक है। मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन ही लेना है, शॉर्ट टर्म लोन अगर बता देगा वो एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में हमें कोई कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल लोन बताया है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये सब हमें शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा और हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा ये सारे लोन को, ठीक है। और शॉर्ट टर्म जो स्पेसिफिकली बता देगा वो तो हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म लोन लेना नहीं है, हर तरह का लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड होगा। लोन का भी बता दिया, अच्छा। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट लेस होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट should be excluded। अब इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड क्यों हो रहा है, पहले वो लॉजिक देख लो। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल, ठीक है। मान लो किसी के पास कैपिटल है 1 लाख,
हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसी के पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। अब ये कैपिटल कैसे आया, मान लो पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लोन वगैरह लेके। लोन लिया है तो क्या हुआ, वो भी तो कैपिटल है। बिजनेस करने के लिए अगर हम लोग लोन रेज कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल है। ये सब मिला के 1 लाख हुआ। और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई दूसरे कंपनी का डिवेंचर बॉन्ड खरीद लिया, ये हो सकता है, कोई और कुछ हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ से करेगा, ठीक है, या फिर कोई पर्सन के हिसाब से भी सोचो, अगर कंपनी के हिसाब से, कोई इंडिविजुअल हिसाब से भी सोचो, तो इन्वेस्टमेंट कोई कहां से करता है, अपने सरप्लस से करता है, ठीक है। तो कंपनी जो कमा रही है कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में मतलब क्या रहा है, प्रॉफिट, ये सब, तो कंपनी के पास जितना टोटल कैपिटल है कंपनी तो उसी से इन्वेस्ट करती है। या फिर मान देखो ना, कंपनी फिक्स्ड एसेट खरीदती है, इन्वेस्टमेंट का बात छोड़ो, एक बार कंपनी एसेट खरीदती है, स्टॉक खरीदती है, कहां से खरीदती है, कैपिटल से। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन का भी हम लोग अकाउंटिंग करें तो बिजनेस में सबसे पहले तो कैपिटल ही चाहिए, फिर उसी से तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक वगैरह, एसेट वगैरह, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट खरीद के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसी पैसे का यूज करके रही होगी, इसी में से कुछ अमाउंट यूज करके कर रही होगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसे हमें क्या कर देना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग का ये वैल्यू जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इफेक्टिव कैपिटल निकाल रहे हैं तो हम लोग का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। भले ही इन्वेस्टमेंट हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां से, तो वही चीज, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कैपिटल, वैल्यूएशन मतलब क्या, कैपिटल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को उसे क्या कर देना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड होगा, लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो एक्सक्लूड नहीं होगा, तो एक्सेप्शन देखो। एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड नहीं होगा। एक्चुअली कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है कि जो एक्सक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कंपनी अगर खुद एक इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है मतलब जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट बेचना, तो फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो उनका डेली का बिजनेस हो गया, ठीक है। तो तब हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट में फर्क है। जैसे मान लो किसी के पास गाड़ी है तो वो उसका फिक्स्ड एसेट हुआ, किसी का गाड़ी का शोरूम है, वो गाड़ी बेचता है, तो गाड़ी उसके लिए फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, वहां पर शोरूम में जितने भी गाड़ी है वो उसके स्टॉक हो जाएंगे। वैसे ही अगर किसी कंपनी का काम है इन्वेस्टमेंट बेचना, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब नहीं होगा। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब लेस होगा, मतलब नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में। तो यहाँ पर लिखते हैं, इन केस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसे बैंक का काम ही है लोन देना, ठीक है, उसी तरह से अगर कोई कंपनी का काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट विल नॉट टू बी डिडक्टेड फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव कैपिटल, दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट by acquiring and sale of investment, मतलब investment बेचना और investment खरीदना, ये इनका revenue nature का काम है। मतलब investment, अगर कोई company investment company, तो जब investment sale करती है, अब वही उसका काम है, तो वो उसका revenue income हो गया, तब वो investment उसके लिए asset नहीं हो रहा है। जैसे मैंने गाड़ी का example दिया, ठीक है, तब वो investment उसके लिए asset नहीं होता है, तब वो investment उसके लिए stock हो गया। investment बेच रहा है, investment खरीद रहा है, ठीक है, क्योंकि
ये क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा इन दैट केस हम लोग को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कितना हो रहा है, अब उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि मैनेजर को रेमुनरेशन कितना मिलना चाहिए। अब देखो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला इलास्ट्रेशन टू और शायद इलास्ट्रेशन वन भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले इलास्ट्रेशन वन कर लेते हैं, उसके बाद इलास्ट्रेशन टू करेंगे जहां पर हमें रेमुनरेशन भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन, तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट दे रखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर 20,000 2,00,100 ईच करके, ये है ऑथराइज्ड कैपिटल। हम पूछेंगे तुम लोग मुझे बताओ कि कौन कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है, ये है ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, इशूड सब्सक्राइब्ड बोला है मतलब कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, कितना सब्सक्राइब्ड हुआ है, 15,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ये देखो फुल्ली पेड है, और 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 80 पेड है, तो 80 से ही मल्टीप्लाई करके लिखा गया होगा क्योंकि बैलेंस शीट का डेटा है, तो बैलेंस शीट में तो पेड अप वैल्यू ही आता है। शेयर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये बताते क्या होता है शेयर सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद ये बता देते आगे का लेते एक बार। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, इसमें 1,50,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योर्ड लोन में 15% डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट, कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई शॉर्ट टर्म है, नहीं भी बताएगा तो कंसीडर टू बी शॉर्ट टर्म, अभी अभी मैंने लिखवाया, और करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, और यहाँ पर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर एटसेट्रा, कंपनी ने शेयर डिवेंचर ये सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर दे रखा है डेबिट बैलेंस। फिर बोल रहा है शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर, बताएंगे ये वाला क्यों लिखा है, द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड, एक्चुअली ये शेयर सस्पेंस अकाउंट के बारे में यहाँ पर लिख ही दिया है। देखो शेयर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट को एलाबोरेट कर दिया है, बोल रहा है कि सस्पेंस मतलब क्या, जिसके बारे में जैसे देखो ट्रायल बैलेंस में तुम लोगों ने सस्पेंस वाला पॉइंट सुना होगा, जब हम लोग का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं सस्पेंस बोल के लिख देते हैं। तो शेयर सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक टेम्पोररी अकाउंट है जो बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ताकि अगर हमें कोई भी मान लो शेयर हम लोगों ने कोई फॉरफिटेड शेयर्स, अगर मान लो हम लोग का फॉरफीचर हुआ है, सपोज हम लोग का अगर फॉरफिट हुआ है कोई शेयर, तो उसको हम लोग रीइशू कर सकते हैं, ठीक है, रीइशू कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसे रीइशू करेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर मतलब कैश रिसिप्ट होगा उस शेयर को रीइशू करके, तो कोई भी रिसिप्ट अगर हमें मिलने वाला है और वो डिसीजन अभी तक अगर पेंडिंग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उस अकाउंट को ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, जब हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अगर डिसीजन पेंडिंग है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग दिखाते हैं टू शेयर सस्पेंस बोल के, ठीक है, टू शेयर सस्पेंस बोल के। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड, मतलब देखो जब हम लोग शेयर इशू करने का सोचते हैं, कंपनी सोचती है, तो एप्लीकेशन मनी तो कंपनी को मिल ही जाता है, लेकिन अलॉटमेंट का मतलब अलॉटमेंट से लेके कॉल तक का रहता है कि कॉल सिनेरियर हो सकता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वही बोल रहा है द अलॉटमेंट मनी ऑफ विच इज नॉट येट मेड, मतलब अभी तक अलॉटमेंट मनी किया मतलब अलॉटमेंट के लिए कॉल नहीं किया गया है, तो वो अमाउंट को यहाँ पर दिखाया गया है सस्पेंस के लिए, मतलब वही जो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, डिसीशन पेंडिंग है, बेसिकली शेयर के किसी पैसे पे अगर डिसीशन पेंडिंग है तो वो अकाउंट को हम लोग शेयर सस्पेंस बोल के यहाँ पर दिखा सकते हैं, शेयर सस्पेंस अकाउंट में 20 लाख है ये बोला गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट लेकिन समझना पड़ेगा तभी जाके ये डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि शेयर सस्पेंस अकाउंट हमें इफेक्टिव कैपिटल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेशन मनी मिल गया है लेकिन अलॉटमेंट मनी का अभी तक जो है कॉल नहीं किया गया है, विच इज नॉट येट मेड, अलॉटमेंट ऑफ विच इज मतलब एप्लीकेशन मनी ले लिया गया है, अलॉटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखो। अब हम लोग करेंगे इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन, उसके साथ हम लोग को बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल
capital provision of schedule 5, would you answer differ? Would your answer differ if X Limited is an investment company? मतलब X Limited अगर investment company होती, जो कि पहले यहाँ पर नहीं बताया कि ये investment company है, मतलब non-investment है, अगर investment company होगा तो फिर क्या हमारे answer में change होगा? होगा ना. अभी अभी हम लोगों ने देखा कि investment का point जो है वो less नहीं होता है अगर investment company है. तो हम लोग को effective capital calculate करके बताना है. तो चलो हम लोग effective capital calculate करके देखते हैं ये सारे rules को follow करके. तो यहाँ पर लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल. इसका दो पार्ट कर लेंगे. एक लिखेंगे एक्स लिमिटेड ऑफ एक्स लिमिटेड. ठीक है, X Limited. अब हम लोग इसका दो पार्ट कर लेंगे, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी और एज ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो यहां पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है, इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है तो क्या होगा? पहले नॉन इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने, अब यहां पर लिख देते हैं अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो यहीं पर हो जाएगा. यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स. अच्छा, अब देखो क्या क्या पॉइंट लेंगे. क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा बताओ? ये ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आता है. ठीक है, ऑथर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. ऑथराइज्ड लिमिट बताता है. इफेक्टिव कैपिटल में वो कैसे आएगा? क्योंकि हमें पेड अप लेना है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड कभी नहीं आ सकता है. अब बताओ इसमें ये 15 लाख 96 लाख, क्या ये दोनों आ जाएगा? हाँ, दुटो ही पेटर. तो ये आ जाएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000, 14% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 इच. तो क्या ये दोनों जगह पे आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? सिर्फ हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट वाले केस में हम लोग चेक करेंगे कि कहां पर कौन सा कॉलम हम लोगों ने लिखा है. वो बस उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एक में लेस होगा एक में नहीं होगा, बाकी तो सारी चीज आएंगे. ठीक है. अच्छा, अब बताओ शेयर सस्पेंस आएगा. मैंने शेयर सस्पेंस का कंसेप्ट समझाया और वैसे भी नीचे डिफाइन किया गया था कि एप्लीकेशन मनी रिसीव है लेकिन अलॉटमेंट का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. अच्छा, मैंने इक्विटी नहीं लिखा, इक्विटी नहीं लिखा, एक सेकेंड, इक्विटी लिखना पड़ेगा. 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स 100 इच, 80 पेड अप. अच्छा, ये हो जाएगा 96 लाख. अच्छा बोलो, शेयर सस्पेंस आएगा? अब तक अगर सोच लिया है तो मुझे बोलो शेयर सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो शेयर मतलब कौन सा हो गया, कौन सा पार्ट हो गया. हम लोग इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करें तो हमें क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लोन डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो शेयर सस्पेंस ना तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट है, ना तो लोन डिपॉजिट से रिलेटेड कोई पॉइंट है, ना तो रिजर्व सरप्लस से रिलेटेड कोई पॉइंट है. शेयर सस्पेंस मतलब कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन यहाँ कौन सा कैपिटल अलाउड है? जो पेड अप है. अब बोलो शेयर सस्पेंस में जो लिखा हुआ है क्या वो हमारा कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है? अगर है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना. तो बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, इतना सारा चीज तो मैंने डिफाइन कर दिया, अब सोच के बताओ आएगा कि नहीं आएगा. देखो ना, यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन मनी मिला है लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ है. अलॉटमेंट होने से तो शेयर होल्डर होता है. क्या ये आएगा बताओ? No, मैं. नहीं आएगा ना ये वाला. क्यों आएगा? क्योंकि इसमें अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है शेयर होल्डर को.
एप्लीकेशन मनी तो रिफंड भी हो सकता है ना. अच्छा रिजर्व सरप्लस में अब बताओ क्या क्या आएगा. कैपिटल रिजर्व आ जाएगा. क्यों देखो हम लोग को क्या नहीं आएगा वो मैंने पहले ही बता दिया. रिजर्व में क्या क्या नहीं आएगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के अलावा हर रिजर्व आएगा. लेकिन अगर पीएल का डेबिट बैलेंस है तो माइनस करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो राइट ऑफ करना है. ठीक है, अब मुझे बोलो कैपिटल रिजर्व आएगा क्योंकि वो तो कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है नहीं, लेकिन कितना आएगा. बोलो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा. बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 1,95,000 आएगा या फिर कुछ और. नो नो, हाँ 1,95,000 माइनस 1,50,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस हो जाएगा तो कितना आएगा 45,000. हाँ अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा बोलो. क्या इसके बारे में मैंने बोला है, नहीं आएगा. मैंने तो सिर्फ बोला रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस के अंडर है तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ. सिक्योरिटीज प्रीमियम तो रिजर्व सरप्लस होता है, तो रिजर्व सरप्लस में सिर्फ तो कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व मैंने मना किया है, बाकी सारी चीज तो आ जाएगा ना. तो ये देखो जो एक्सक्लूड नहीं है वो तो सभी आएगा, मैंने पहले ही बताया ना, जो एक्सक्लूड नहीं है वो सभी आएगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000. अच्छा इसके बाद लोन है देखो 15% डिवेंचर आएगा कि नहीं आएगा बताओ. लोन का मैंने बोला था हर तरह का लॉन्ग टर्म लोन आएगा, तो 15% डिवेंचर ये आएगा कि नहीं आएगा. डिवेंचर क्या होता है नॉर्मली, डिवेंचर का भी शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, डिवेंचर क्या होगा आएगा कि नहीं आएगा. डिवेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म लोन होता है. 15% डिवेंचर 65,00,000. फिर बोला है अनसिक्योर्ड लोन है. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मतलब क्या, जिसपे मॉर्गेज है और जिसपे मॉर्गेज नहीं है. पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक से हम लोगों ने डिपॉजिट लिया है, जैसे बैंक डिपॉजिट लेते हैं ना, बैंक में पब्लिक जाके डिपॉजिट करती है, वैसे कंपनी भी कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट है तो ये भी लोन है. तो डिपॉजिट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैंने लोन सिर्फ नहीं लिखवाया था, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मैंने लोन डिपॉजिट लिखवाया, तो हर तरह का लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आ सकता है. तो अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इस डिपॉजिट को क्या कंसिडर करेंगे, लॉन्ग टर्म. ठीक है, कुछ नहीं बोलने से लॉन्ग टर्म कंसिडर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म बता देगा या फिर कौन कौन सा शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है वो भी मैंने बता दिया. तो पब्लिक डिपॉजिट यहाँ पर हम लोग का लॉन्ग टर्म होगा, तो ये भी यहाँ पर कंसीडर कर देंगे. तो ये हो गया हम लोग का 3,70,000. इसके बाद कैश क्रेडिट वाला ये लेना है कि नहीं लेना है बोलो. कैश क्रेडिट वाला ये आएगा कि नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बता भी दिया है बोलो. कैश क्रेडिट और ट्रेड पेबल ये दोनों आएगा कि नहीं आएगा बोलो. कैश क्रेडिट और ट्रेड पेबल ये दोनों कंसीडर करे कि नहीं करे. नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि कैश क्रेडिट तो शॉर्ट टर्म है, बता ही दिया नहीं लेना है, नहीं भी बताता तो शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे. शॉर्ट टर्म लोन्स आता नहीं है यहाँ. करेंट लाइबिलिटी ये भी तो शॉर्ट टर्म पेबल है ना, ये लॉन्ग टर्म पेबल थोड़ी ना है. करेंट लाइबिलिटी का तो मतलब ही होता है जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. ठीक है, तो ये नहीं आएगा. अच्छा अब हम लोग इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर एटसेट्रा 75,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो ये दोनों का क्या करना चाहिए बोलो. इन्वेस्टमेंट तो लेस होगा, कौन से कॉलम में लेस करें और कौन से कॉलम में नहीं करें. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर सोच के बताओ. नॉन इन्वेस्टर लेस होगा, इन्वेस्टर ठीक है.
नॉन इन्वेस्टर, नॉन इन्वेस्टमेंट वाला जो कंपनी है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लेस कर देंगे 75 लाख. लेकिन इधर मैंने जो कॉलम बनाया था इन्वेस्टमेंट वाला, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये पीएल का क्या करेंगे, पीएल का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब तो लॉस, इसका क्या करेंगे, ये भी लेस करने बोला था ना. ये देखो डिडक्ट करना है ना, हमें बताया था पीएल को क्या करना है, डिडक्ट करना है, तो इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा. तो लेस के नीचे लिख देते, डिडक्ट का मतलब तो लेस ही होता है ना. तो यहाँ पर लिख देते हैं पीएल अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस है. अगर क्रेडिट होता तो वो रिजर्व सरप्लस के वहां पर ऐड हो जाता है, ये भी रिजर्व सरप्लस में आता है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है. देखो जैसे कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा ना, अगर हम लोग का प्रॉफिट होता तो यहाँ पर आ जाता पीएल बोल के. लॉस है तो लॉस को हम लोग राइट ऑफ करेंगे. अब बोलो दोनों में लिखे या एक में लिखे, ये पॉइंट दोनों में लिखना चाहिए या एक में लिखना चाहिए, दोनों में ही होगा ना. सिर्फ तो इन्वेस्टमेंट का फर्क होगा, बाकी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है. अब ये कैलकुलेट होके आ जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, बस इतना ही पूछा था. अब इसका कैलकुलेशन करके देख लो कितना होता है. अच्छा, अब इसका ऐड करना पड़ेगा, एक जगह पे करो ना, हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड तो एक ही जैसा चीज लिखा हुआ है. तो 15 लाख प्लस 96 लाख प्लस 45 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 3,70,000 और इसमें लेस नहीं होगा ना. तो इस ये वाले पॉइंट में ये और ये माइनस हो जाएगा. अच्छा माइनस पहले कर लेते हैं, माइनस 15,25,000. तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,65,40,000 और इसमें ये वाला भी लेस हो जाएगा 75,90,40,000. ठीक है, ये हो जाएगा इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन. तो ये हम लोग का देखो क्वेश्चन नंबर 1 का यही, बस इतना ही पूछा था कि इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करके बताना है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या बोला है, ये लास्ट वाला पॉइंट बता देते. कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर एक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेमुनरेशन दैट कैन बी पेड टू हिम इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. अच्छा ठीक है, पहले से ही पढ़ते हैं, मुझे लगा लास्ट में लिखा हुआ रहेगा कि रेमुनरेशन क्या. कुमार लिमिटेड जो है ये कंपनी का नाम है जो कि एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी. अब बता दिया है कि कंपनी कैसा है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब इसका इन्वेस्टमेंट लेस होगा. हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर. कंपनी का लॉस चल रहा है, कंपनी ने अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स का पेड अप वैल्यू, रिजर्व में इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 लाख, टोटल 150, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. ये भी बताएंगे क्या होता है, accumulated losses not written off or investment. ठीक है, application money pending allotment मतलब application money मिल गया वही share suspense के तरह, but अभी तक allotment नहीं हुआ है. फिर बोल रहा है कुमार लिमिटेड है, इनका एक ही वन होल टाइम डायरेक्टर है. ठीक है, इनका एक होल टाइम डायरेक्टर है जो कि है मिस्टर एक्स, जिनका नाम है मिस्टर एक्स. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेमुनरेशन दैट कैन बी पेड टू हिम इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एट जनरल मीटिंग. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से क्या होता है कि जो परसेंटेज है मैक्सिमम उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो जो हमें पता है, जो हमें नोन वैल्यूज जो रेट पता है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे. ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स. ठीक है, हमें रेमुनरेशन कैलकुलेट करके देना है. अब मुझे बोलो कि क्या कैलकुलेट करें. पहला बात है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे तो पता चल रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा. और
वैसे भी ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रिम्यूनरेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, कंपनी कैसा है वो देख के. अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसके लिए इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो उसके लिए हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. नेट प्रॉफिट का ये रूल्स देखा और अभी हम लोगों ने इफेक्टिव कैपिटल का देखा. अब ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी लॉस इनकर्ड कर रही है, इसका मतलब कंपनी का हमें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है अगर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करके दिखाना है. तो पहले होगा इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन. इलस्ट्रेशन टू, यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन. पर्टिकुलर्स अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. पेड अप बता दिया है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. इसका वैल्यू है 120 इन लाख है. अच्छा, इसके बाद आ जाएगा पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20. अच्छा, इसके बाद है रिजर्व. रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस कर देंगे, बाकी लिख देंगे. तो रिजर्व आ जाएगा 150 माइनस 10 140 लाख. रिजर्व के बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 हो गया. लॉन्ग टर्म लोन 40, ये भी आ जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन हर तरह का आएगा, अभी अभी देखा ना हम लोगों ने. लॉन्ग टर्म लोन ये भी है 40 लाख. अच्छा, ये भी लिखेंगे. अच्छा, इसके बाद डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर वन ईयर, तो आएगा कि नहीं आएगा? डिपॉजिट आता है लेकिन लॉन्ग टर्म होगा तभी आएगा. तो ये होगा कि नहीं होगा? डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर वन ईयर, ये होगा कि नहीं होगा? पढ़ के पता चल रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म है कि नहीं? हाँ आएगा ना. रीपेबल आफ्टर वन ईयर का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ था ना, मैंने लिखवाया वन ईयर के ज्यादा का सारा लाइबिलिटी तो लॉन्ग टर्म होता है ना. आफ्टर 12 मंथ्स मतलब क्या? वन ईयर. और वैसे भी तो पता है ना वन ईयर कैसे कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैसे कंसिडर किया जाता है, 12 मंथ्स या वन ईयर. केस वन ईयर से ज्यादा हो तो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इससे अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल नहीं बना होगा. एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटन ऑफ, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब वही पीएल का डेबिट बैलेंस जो एक्यूमुलेट किया गया है. मतलब कंपनी का लॉस हो ही जा रहा है, लॉस हो ही जा रहा है, तो लॉस 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 ऐड कर करके इतना हो गया 20 लाख. ये देखो लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, तो एक्यूमुलेट हो गया मतलब इकट्ठा हो गया इतना सारा लॉसेस. तो यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस नॉट रिटर्न ऑफ. तो अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा. इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो राइट ऑफ करना पड़ेगा. और इन्वेस्टमेंट, अब ये है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो इसका इन्वेस्टमेंट भी लेस करेंगे क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इसका काम नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट परचेज इसका कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं है तो इससे कैपिटल हमारा डिडक्ट होगा. अब चेक करते कितना हो जाएगा. 120 और 20, 140 280 और यहाँ पर हो गया 448 100, मतलब 380 और यहाँ से 180. अच्छा, 180 लाख इफेक्टिव कैपिटल 180 लाख है, ठीक है. अच्छा, अब हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना होगा. तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस कुमार लिमिटेड इनकरिंग लॉसेस
एंड नो स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन passed by the company for payment of remuneration managerial remuneration will be calculated on the basis of इफेक्टिव कैपिटल. इसीलिए हम लोग इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे कर रहे हैं. मतलब अगर कोई पूरा आंसर लिखना चाहे तो ऐसे लिखना पड़ता है. ऑफ द कंपनी देयरफॉर मैक्सिमम रेमुनरेशन payable to the MD yani ki managing director should be. ab hum log slab jo banaye the wo dekhenge effective capital ke hisab se. to kaun sa hoga batao, kitna milega per annum, kitna milega. हम लोग का इफेक्टिव कैपिटल आया है 180 लाख आया है ना, 180 लाख आया है. तो कौन सा होगा इफेक्टिव कैपिटल, कौन सा आ रहा है 180 लाख? मतलब तो करोड़ 120 लाख. ये तो किंतु कोटि 100 करोड़ है. 60 लाख. हाँ 60 लाख होगा ना. ये तो करोड़ में है और ये है लाख में. 180 लाख मतलब कितना हो गया, 180 और 50 ऐसे. मतलब 1 करोड़ 80 लाख. 1 करोड़ 80 लाख तो इसका मतलब पहले वाले स्लैब में आ रहा है. 1 करोड़ 80 लाख का मतलब पहले वाले स्लैब में आएगा. मतलब 60 लाख पर एनम शुड बी 60 लाख पर एनम. तो बस वो हमें स्लैब याद रखना है, उसके हिसाब से लिखना है. 60 लाख पर एनम हो जाएगा. अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों हम लोग का हो गया. 4 जो डिविडेंड वाला पार्ट था वो हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 5 ये सब हम लोग का फाइनल अकाउंट्स का पार्ट था. 5, 6, 7, 8 ये सारे कंप्लीटेड है. यहाँ पर ये वाला देखते हैं. देखो क्वेश्चन 1 ये छोटा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 यहाँ पर हम लोग को इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला. ये हम और करके नहीं दिखा रहे, जस्ट तुम लोग यहाँ से मुझे बता दो क्या होगा, हम अभी कैलकुलेट करके बता देते हैं. मतलब शॉर्टकट में लिख देते हैं. देखो ये हम लोग को एक इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने बोला है. तो कौन कौन सा पॉइंट आएगा तो तुम लोग बताओ मुझे. यहाँ पर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी. हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नीचे देखो लिख दिया है. यहाँ पर यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर प्रोविजन शेड्यूल ऑफ 5 जो भी हो. तो यहाँ पर हमें नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो ऑथराइज तो नहीं आएगा, इश्यूड कैपिटल आ जाएगा. तो हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बोल के लिख देते हैं. ये देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ रहा है, ये देखो 45 लाख. ये हो गया 45 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 2 करोड़ 88 लाख. तो ये हो गया 2 करोड़ 88 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा. अच्छा ये हो गया पेड अप कैपिटल. उसके बाद शेयर सस्पेंस नहीं आता है. रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आएगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व लेस हो जाएगा, ठीक है. तो कैपिटल रिजर्व आएगा लेकिन रिवॉल्यूशन रिजर्व को लेस करने के बाद. तो यहाँ पर 5,85,000 - 4,50,000. 5,85,000 - 4,50,000 तो ये हो जाएगा 1,35,000, ठीक है. एक बार देख लो कैलकुलेशन मेरा सही हुआ है कि नहीं. 1,35,000. अच्छा
1,35,000। उसके बाद यहाँ पर देखो सिक्योर्ड लोन सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 1,50,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000। अच्छा इसके बाद डिवेंचर है ये आ जाएगा 1,95,00,000। 1,95,00,000। अच्छा इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट 11,10,000। अच्छा फिर करंट लाइबिलिटी तो कुछ नहीं आएगा, एसबीआई क्रेडिट मतलब सीसी लोन है वो भी नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर ये लेस हो जाएगा 2,25,00,000। लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट 2,25,00,000 और पीएल का डेबिट बैलेंस तो ये भी लेस हो जाएगा, पीएल का डेबिट बैलेंस ये भी लेस करना पड़ेगा 4,575,000 और ये 3,0 था शायद 3,0। ठीक है शेयर सस्पेंस बता, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल और आंसर चेंज होगा कि अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये तो मैंने नॉन इन्वेस्टमेंट मान के किया है, ठीक है ये मैंने माना है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा तो सेम डेटा ही रहेगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है चेक करके देख लेते। 45,00,000 प्लस 288,000 प्लस 1,95,000 इन्वेस्टमेंट लेस होगा उनका नहीं होगा, यहां से पीएल लेस करते 4,575,000। अच्छा अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इनका हो जाएगा 496,20 और ये 000 और अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी लेस होगा, तो 225 ये हो जाएगा 271,20 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इफेक्टिव कैपिटल, तो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही था इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में करवा दिया, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अच्छा और यहाँ पर रिम्यूनरेशन रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, ये सब फाइनल अकाउंट जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया था, अब इसमें सिर्फ बच रहा है जो मैंने लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था 4, 5, 6 ये 3 ही क्वेश्चन बच रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है। ठीक है फिर ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं या फिर तुम लोग चाहो तो खुद से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।